हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। बीते कुछ दिनों में हिंडनबर्ग, अदानी और सेबी, ये तीनों नाम न्यूज में काफी बने रहे। जहां पे बात किया जाए तो 11 अगस्त को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिस रिपोर्ट में काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे सेबी के ऊपर। और जब हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था तो उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अदानी की कंपनी के जो शेयर्स रहेंगे उसके कीमत नीचे गिरेंगे। जहां पे बात किया जाए कि कुछ हल्के फुल्के नुकसान के साथ अदानी की कंपनी के जो शेयर्स का कीमत था वो उतना ही पहुंच गया या इनफैक्ट पहले से भी अधिक हो गया। इस वीडियो में हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे कि आखिर में ये हिंडनबर्ग, अदानी और सेबी, इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है। इस वीडियो में आगे बढ़ो इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या। तो अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत ही कम जानकारी मिलेगा। जो जानकारी हमारे पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके हिसाब से इस कंपनी को 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था, और जिसने इसको एस्टैब्लिश किया था उसका नाम है नेथन एंडरसन, यानी कि वो इस कंपनी के ओनर हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप ये जानना चाहेंगे कि इस कंपनी को कौन फंड करता है या इसमें और कितने मेंबर्स हैं या कौन कौन इसके बोर्ड मेंबर्स हैं, आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगा। 2017 से लेके अब तक हिंडनबर्ग ने टोटल 16 रिपोर्ट्स इसने पब्लिश किया है, और ये एक US बेस्ड कंपनी है। और जो इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या होम पेज पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो ये है कि ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग भी करती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या इनफैक्ट आप ही ऐसे होंगे जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे। तो एक जो नॉर्मल फेनोमेना है वो क्या है कि हम किसी एक कीमत पे शेयर्स को खरीदते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब उस शेयर का कीमत बढ़ जाएगा तो हम उसको बेच देंगे, तो जो डिफरेंस जनरेट होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि सपोज दैट आज के डेट में किसी भी कंपनी का एक शेयर का कीमत 100 रुपए है और मुझे ये मालूम है कि 10 दिन के बाद उस कंपनी का जो शेयर है वो नीचे गिरेगा, तो मैं क्या करूंगा कि इसको इस पॉइंट पे बेच दूंगा। और सपोज दैट 10 दिन के बाद इस कंपनी का शेयर 50 रुपया हो गया तो ये मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो जब इस कंपनी का शेयर 50 रुपया हो जाएगा तो मैं दोबारा खरीदूंगा, और फिर किसी टाइम के बाद फिर मैं दोबारा उसको बेच दूंगा, तो जो डिफरेंस जनरेट होगा वो मेरा बेनिफिट रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग तौर तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने का या चीजों को देखने का या एनालाइज करने का। यहाँ पे जो हमारे लिए समझने वाली बात है वो ये है कि हिंडनबर्ग ने पहली बार अदानी के बारे में जिक्र किया था पिछले साल जनवरी को, यानी कि जनवरी 2023 को, जहां पे एलिगेशन लगाया गया था अदानी के ऊपर कि अदानी अपने कंपनी का जो शेयर है या किसी भी तरीके से अपने कंपनी का अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आप उसको डेटा फॉर्ज करके आप इस तरीके से दिखा रहे जैसे कि वो कंपनी काफी अच्छा है और उसका फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ होने का संभावना है। तो क्या होता है कि कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिस कंपनी के बारे में मार्केट में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो या जिसके अकाउंटिंग को देख के ये लगे कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। तो जब पिछले साल जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग ने ये एलिगेशन लगाया था कि अदानी की कंपनी उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितनी वैल्यूएबल ये अपने आप को दिखाती है, तो उस बार 150 बिलियन का इसको नुकसान हुआ था। अब यहाँ पे आप हिंडनबर्ग को कनेक्ट कीजिए कि हिंडनबर्ग क्या करता है कि जब किसी भी कंपनी का शेयर नीचे गिरता है तो वो उसको खरीद लेता है, और जब वो ऊपर जाता है तो वो उसको बेच देता है, तो जो डिफरेंस जनरेट होता है वो उसका बेनिफिट होता है। और यही बिजनेस है हिंडनबर्ग का। और यहाँ पे चांसेस और भी हैं कि हिंडनबर्ग और भी अलग अलग कंपनीज को इन सब जानकारी को बांटता होगा। तो कहने का मतलब है कि जब इतनी बड़ी कंपनी का नुकसान होता है तो उसके नुकसान में बहुत सारी कंपनीज का बेनिफिट भी छुपा होता है। तो यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि हम सिर्फ हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को सच ना माने बल्कि इसके पीछे और भी जो टेक्निकलिटीज होती है हम उसे भी समझें और हम बचे कंक्लूजन ड्रॉ करने से। ये हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन ऑफ देयर की प्रैक्टिसेस इज शॉर्ट सेलिंग वेयर इन देयर रिपोर्ट्स ऑन सर्टेन कंपनीज इन्फॉर्म देयर पोजीशन इन प्रेडिक्टिंग वेदर द मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन कंपनीज विल फॉल। और इसके जो फाउंडर है नेथन एंडरसन, ये अपने आप को एक एक्टिविस्ट बताते हैं। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट को मार्केट में लाने से पहले या इनफैक्ट पब्लिश करने से पहले जो अलग अलग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ ये डिटेल्स को शेयर करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही आसान होता है कि किसी भी कंपनी का जो शेयर है उसको करंट प्राइस में बेच दें, और जब उस कंपनी का शेयर का कीमत जब नीचे गिरेगा तो उसको खरीद लें, और उस बीच जो प्रॉफिट जनरेट हो
होगा वो उनका अपना प्रॉफिट होगा। और उसके बाद अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को माने तो जब नेथन एंडरसन से ये पूछा गया कि आपके कंपनी में कौन कौन इन्वेस्ट करते हैं, तो जो इनके फाउंडर हैं यानी कि नेथन एंडरसन, वो जवाब देने से बचे या इनफैक्ट वो जवाब नहीं दिए। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट सही पब्लिश किया गलत पब्लिश किया ये बात की बात है, लेकिन हम किसी की रिपोर्ट को एकदम से सही ना माने जब वो खुद की कंपनी अपने बारे में किसी भी तरीके का जो डिटेल्स है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि आखिर में यहाँ पे सेबी का एंट्री कैसे होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हर चीज को चलाने का एक नियम कानून होता है, वैसे ही जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टिगेट करता है तो ये सेबी मेक श्योर करता है कि वो कंपनी किसी भी तरीके से अपने अकाउंटिंग में फ्रॉड ना करे, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है इसके पैसे को बचाते हैं या सेफ एंड सिक्योर करते हैं। और साथ में अगर किसी भी तरीके से कोई कंपनी अगर फ्रॉड करता है और ये पब्लिक में आ जाता है तो जो इन्वेस्टर्स होता है उनका कॉन्फिडेंस आपके मार्केट से जाता है। तो लमसम इसको हम कुछ इस तरीके से समझे कि सेबी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो मेक श्योर करता है कि किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में सही सही जानकारी लगे उसके इन्वेस्टर को। तो जब पिछले साल हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश किया था अदानी के बारे में, जहां पे ये बताया गया था कि अदानी अपने शेयर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं और अकाउंटिंग में काफी हेर फेर किया गया है, तो ये सेबी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन्वेस्टिगेशन को सेटअप करे और ये चेक करे कि कहीं अदानी ये सब काम तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेबी को कि आप पता करें कि किसी भी तरीके से अदानी कोई गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तक के जो इन्वेस्टिगेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रह के, उसके हिसाब से कहीं से भी ये जानकारी नहीं आया कि अदानी या उनकी कंपनी किसी भी तरीके से अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। उसके बाद जो 11 अगस्त को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया गया सेबी के ऊपर वो ये है कि जो सेबी की चीफ है यानी कि माधवी पुरी और इनके हस्बैंड, इनका अदानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जो भारत में एस्टैब्लिश नहीं है या लिस्टेड नहीं है बल्कि किसी और देश में लिस्टेड है। कहने का मतलब है कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे टैक्स हेवन कंट्री होते हैं जहां पे बेयर मिनिमम टैक्स को वसूला जाता है। तो नॉर्मली जब किसी भी कंपनी को टैक्स कम देना होता है या किसी भी तरीके से जब वो पैसे बचाने चाहते हैं तो वो बहुत सारे ऑफशोर कंपनी को खोल लेते हैं जिससे कि वो टैक्स को बचा सके। सो सेबी के चीफ के ऊपर जो एलिगेशन लगा था वो यही लगा था कि अदानी की कुछ कंपनी है जो कि फॉरेन कंट्री में एस्टैब्लिश है और इनका इन्वेस्टमेंट है उन सब कंपनीज में। तो इसीलिए जब अदानी के बारे में ये रिपोर्ट आया कि इन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया तो सेबी उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किए जिस तरीके से करना चाहिए था। और जहां तक बात किया जाए माधवी पुरी के बारे में, तो ये 1989 से लेकर 2011 तक ये ICICI बैंक में काम किए हैं और उसके बाद 2011 से लेकर 2017 तक ये सिंगापुर में अलग अलग कैपेसिटी में कैपिटल मैनेजमेंट कंपनीज में ये काम कर चुके हैं। तो कहने का लमसम ये मतलब है कि ये जब भी जिस भी पोर्टफोलियो को संभाले हैं तब भी वो पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग रहा है जहां से वो खुद अपने पर्सनल कैपेसिटी में पैसे कमाए हैं। तो जब ये 2017 में सेबी को ज्वाइन करती है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती है जहां पे ये बताती है कि इनका क्या क्या अब तक का वर्क एक्सपीरियंस है और कितना इनके पास एसेट्स है। तो जब भी आप किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपके नाम पे किसी भी तरीके से कोई बिजनेस है या नहीं। अगर आपके नाम पे डायरेक्टली किसी भी तरीके से बिजनेस होता है तो आप कभी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये कंप्लीट तरीके से अनएथिकल हो जाता है। तो जो लमसम आरोप लगाया गया हिंडनबर्ग के द्वारा जो रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया है वो यही है कि माधवी पुरी और उनके हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट है अदानी के ऑफशोर कंपनीज में और इसीलिए पिछले साल जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। लेकिन जो एक चीज हमें समझनी है वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स थे उनका अदानी में भरोसा किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ है जिस तरीके से पिछले बार कम हुआ था। और पिछले बार जो नुकसान हुआ था अदानी एंड कंपनी को वो 150 बिलियन हुआ था जो कि अपने आप में एक मैसिव अमाउंट होता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदानी ने सही किया गलत किया या सेबी ने सही किया या गलत किया, लेकिन एक चीज जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि आखिर में ये हिंडनबर्ग है कौन और एग्जैक्टली अगर किसी भी कंपनी का अगर शेयर्स गिरता है तो उससे इसको किस तरीके से फायदा होता है। आई होप कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया हूँ। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।